सब्जियां हमारी डेली रूटीन का हिस्सा होती है। सही सब्जी खाने से किडनी हेल्दी रहती है, वहीं गलत सब्जी का चुनाव किडनी की हेल्थ पर बुरा असर डालता है। वैसे तो सब्जियां किडनी के हेल्दी मानी जाती है, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें खाने से किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में आइए वीडियो में जानते हैं कि वे सब्जियां कौन सी हैं जो किडनी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है अरबी। अरबी में ऑक्सलिक एसिड होता है जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका सेवन करने से किडनी में स्टोन बनने की शिकायत रहती है। ऐसे में अरबी खाने से किडनी अनहेल्दी हो सकती है, इसलिए इसे आहार में शामिल ना करें। वहीं किडनी को अनहेल्दी बनाने वाली दूसरी सब्जी है आलू। आलू में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में आलू को अपनी डाइट में शामिल करने से आपको न सिर्फ किडनी में प्रॉब्लम आएगी बल्कि हार्ट प्रॉब्लम भी आ सकती है। वहीं इसमें अगले नंबर पर आते हैं टमाटर। टमाटर में ज्यादा अमाउंट में पोटेशियम, विटामिन बी और विटामिन ई के साथ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ऐसे में टमाटर या टमाटर से बनी चीजें खाने से बॉडी में पोटेशियम की क्वांटिटी बढ़ने लगती है, जिससे किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं इसमें अगले नंबर पर आते हैं स्वीट पोटैटोस, यानी कि शकरकंद। आपको बता दें कि शकरकंद में ऑक्सलेट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में इसे खाने से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसमें मौजूद ऑक्सलेट स्टोन के ऊपर जमने लगता है, जिससे परेशानियां बढ़ने लगती है। तो जैसा कि आपने जाना कि वे कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें ना खाने से आपकी किडनी हेल्दी रह सकती है। ऐसे में अगर आप भी इन सब्जियों को अपनी डाइट से हटाने की सोच रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।